हेलो दोस्तों, मैथ्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सो आज हम लोग मैथ्स के इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि क्लास 6 के आरएस अग्रवाल के टेक्स्ट बुक से है। तालों को कैसे करते हैं, चलिए इसे हम सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि राइट ईच आर द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जितने भी रेशियोज दिए गए हैं इनको सबसे छोटे रूप में आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जब आप ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है रुपीज में 6.30 और बीच में जो दो डॉट आप देख रहे हो ना वो रेशियोज़ का सिंबल है, और दूसरा पार्ट दिया गया है रुपीज में 16.80। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें कि रुपीज लिख करके 6.30 लिख लीजिए, फिर डिनोमेटर में रुपीज 16.80 लिख लें। दोनों का यूनिट सेम है तो इनको आप कैंसिल कर लीजिए। अब आपके पास जो रिजल्ट दिख रहा है न्यूमरेटर में 6.30 है और डिनोमेटर में है 16.80, दोनों डेसिमल के दो प्लेसेस तक लिखे गए हैं। तो अगर आप दोनों का डेसिमल प्लेस हटा दें तो न्यूमरेटर में जो रिजल्ट है उसको लिख सकते हैं 630 और डिनोमेटर को लिख सकते हैं 1680। ये जो यूनिट प्लेस पर जो जीरो आया है इन दोनों को आप हटा दीजिए तो थोड़ा ये छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। और जो 63 और 168 न्यूमरेटर और डिनोमेटर में जो दिखाई दे रहे हैं इनका आप एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ निकालने से क्या होगा ना कि आप बार बार आपको कट नहीं करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि वो बड़ी वैल्यू क्या होगी जो दोनों को डिवाइड करे। तो वो बड़ी वैल्यू जो होगी ना वो 21 आएगी। तो इसके लिए 21 पाने के लिए क्या करिएगा, 63 का और 168 का एचसीएफ निकाल लीजिएगा तो रिजल्ट आएगा 21। तो आप क्या करिएगा, 63 को आप 21 से डिवाइड करिएगा और 168 को भी आप 21 से ही डिवाइड करेंगे। तो 63 21 से डिवाइड होगा तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 168 को जब 21 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। अब ये जो 3/8 आया है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो अगर फ्रैक्शन में कहा जाएगा तो आप ऐसे लिखिएगा, अगर आपको रेशियोज़ में कहा जाए तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 3:8, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन आपको कैसे करना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो दिया गया है 3 वीक्स और बीच में रेशियो का सिंबल लिखा हुआ है और 30 डेज दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं, एक वीक्स में है और दूसरा डेज में है। तो आपको पता ही होगा कि 1 वीक जो होता है ये इक्वल होता है 7 डेज के। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि 3 वीक्स में कितने होंगे तो आप क्या करेंगे, 3 × 7 कर लें और यहाँ डेज लगा लें आप, तो जो रिज़ल्ट होगा वो 21 डेज के इक्वल हो जाएगा। तो आपने क्या किया है कि 3 वीक्स को डेज में आपने कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे 3 वीक्स लिखा है ना वहाँ पे हम लोग लिख देंगे 21 डेज, और रेशियोज़ की जगह पे अपान का साइन लगा देंगे नीचे, 30 डेज आप डिनोमिनेटर के प्लेस पे आप लिख लीजिएगा। अब देखो दोनों का यूनिट सेम है तो दोनों का ये यूनिट कैंसिल कर लीजिए। अब ये जो 21/30 आ रहा है ये ध्यान रखिएगा ये इक्वल का साइन ही है, ठीक है। तो 21 और 30 किसके टेबल में आते हैं, तो इसके लिए आप एचसीएफ अगर आप निकालेंगे भी तो आएगा 3। तो आप क्या करिएगा, 21 को 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा और 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो वैल्यू आएगी वो 7/10 आएगी, और अगर आप इसको रेशियोज में लिखिएगा तो आप लिखिएगा 7:10। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। अगर आप पहला और दूसरा क्वेश्चन आप नहीं देख पाए हो, उसको आप देखना भूल गए हो, तो वीडियो के एंड में उसकी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, उसे आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और भी आपको बता दूँ मैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए चलिए मैं जो डिफिकल्ट है ना मैं उसको बता देता हूँ। मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे तो 48 मिनट और H2 का दिया गया है 2 hours 40 minutes दिया गया है। तो एक रिजल्ट तो मिनट में है और दूसरा रिजल्ट आवर्स और मिनट के साथ आया हुआ है।
तो यहाँ पे अभी ध्यान दीजिएगा कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, या तो दोनों मिनट्स में रहें या दोनों आवर्स में रहें। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करिएगा, ये जो सेक्शन जो है जो कि 2 hours 40 minutes दिया गया है, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो आप जानते हो कि 1 hour = 60 minutes होता है, ठीक है ना, ये देखिए यस है। तो 2 hours को जब आप कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे 2 hours, तो ये आपका 120 minutes हो जाएगा, 120 minutes। और इसमें जो है 40 minutes प्लस कर लीजिएगा, तो जब 2 hours और 40 minutes इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, तो ध्यान रखिएगा 2 hours 120 minutes हो गया है, और 40 minutes उसमें और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 160 minutes हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जो 2 hours 40 minutes है उसको आपने मिनट्स में जब कन्वर्ट किया है, तो आपका जो रिजल्ट है ये 160 minutes है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए 48 मिनट है, ये मिनट्स है, और जो 2 hours 40 minutes को जो आपने जो चेंज किया था मिनट्स में, उसकी वैल्यू आई थी 160 मिनट्स आई थी। अब ये मिनट्स और मिनट्स को कैंसिल कर लीजिए, अब आपके पास जो रिज़ल्ट है वो आपका आ रहा है 48/160। तो इन दोनों का अगर आप HCF निकालेंगे तो आएगा 16 आएगा। अगर आपको HCF निकालने नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, उसकी मैं एक वीडियो में बना दूंगा मैं। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा कि 48 को 16 से डिवाइड करिए, और 160 को भी आप 16 से डिवाइड करिए। तो 48 को जब 16 से डिवाइड करोगे तो रिज़ल्ट आएगा 3, और 160 को 16 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी डिनोमेटर में 10 आएगी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 3/10 आएगा, बट अगर आप इसको रेशियोज़ में लिखते हैं तो 3:10 होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग हमेशा खुश रहें और बड़ों का कहना मानते रहें। जय हिंद, जय भारत।